हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम टू टाइप स्नैक्स बनाएंगे। फर्स्ट टाइप है कचौरे, सेकंड टाइप पिज़्ज़ा। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्याज, कैरेट, कैप्सिकम, आलू को ग्रेट करके लिया है। दो पीस आलू को बड़े साइज में रख लिया है। पैन हीट होने के बाद ऑयल और जीरे को ऐड किया है। सबसे पहले प्याज को डालकर लाइट पिंक कलर आने तक फ्राई करेंगे। बैटर एक ही है, टू टाइप स्नैक्स बनाएंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन मसाले को भी ऐड करेंगे। कैप्सिकम और कैरेट को भी ऐड करेंगे। अब 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाकर उसके बाद आलू को भी ऐड कर देंगे। आलू को भी ऐड कर देंगे। इसको भी हाई फ्लेम पर और 1 मिनट पकाएंगे। इसके बाद मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद स्टोव ऑफ कर देंगे। उसके बाद 1 लेमन का जूस चाट मसाले को डाली थी मैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कचौरे बनाने के लिए आटे का डो रेडी कर लेंगे। मैदे का आटा 1 कप, अजवाइन थोड़ा सा, सॉल्ट 2 टेबल स्पून, ऑयल, मिक्स करेंगे। इसके बाद पानी डालकर आटे का डो रेडी कर लेंगे। इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट रख दीजिए। 10 मिनट्स के बाद मैंने छोटे छोटे लोइयां बना रही हूँ। आपको जो साइज चाहिए वो साइज बना लीजिए। फर्स्ट इसको कटोरे के शेप दीजिए। इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे हम। आलू मसाला करी को इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। इसके बाद इसको बंद कर देंगे। मैंने इसी टाइप से कचौरियों को रेडी करके रख लिया है। इसको हम ऑयल फ्राई करेंगे। ऑयल हीट होने के बाद मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई कर लीजिए ब्राउन कलर आने तक। लाइट ब्राउन कलर आने के बाद निकाल लीजिए। कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी के बने थे, आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये फर्स्ट टाइप स्नैक्स है। सेकंड टाइप स्नैक्स बताऊंगी मैं आपको। इसके लिए कढ़ाई में बटर, थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, कोथमीर, सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके स्टोव ऑफ कर देंगे। स्टोव ऑफ करने के बाद इसके अंदर ब्रेड स्लाइसेस को डाल लेंगे। इसके ऊपर अब हम चीज़ को ऐड करेंगे।
जो आलू का बैटर बना के रखे है सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने इसका नाम 5 मिनट्स पिज़्ज़ा रखा है, आपको जो नाम पसंद है वो रख लीजिए। आलू को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर चीज़ और बटर को ऐड करेंगे। ओनली 3 मिनट्स लो फ्लेम पर पकाएंगे, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बना था, आप भी अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। ऊपर से टमाटो केचप थोड़ा सा डाल लीजिए। रेडी 5 मिनट्स पिज़्ज़ा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फर्स्ट बनाए कचौरे, सेकेंड टाइम 5 मिनट्स पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़े के बने थे, आप भी ज़रूर से ट्राई।